तो ये बात है उस जमाने की। अबे यार एक गंजू टक्कू अंकल आ गए यार, पहली रोस्ट वीडियो मतलब दूसरी है, चलो इनके साथ कुछ पंगे लेते हैं। तो ये मैं गया अपने एडिटिंग ऐप में और कुछ कूल कूल इफेक्ट लगाए और आखिरी रिजल्ट ये है। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? आखिर रसोड़े में कौन था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि रसोड़े में कौन था। तो सबसे पहले तो हमें यार इस शो के मतलब देखना पड़ेगा कि यार किसका शो का नाम है साथ निभाना साथिया। इसकी गहराइयों में चलते हैं। तो इस सीन में ना मतलब मैं बता दूं आपको कि मरे हुए बंदों को चिल्ला कर जिंदा किया जाता है जिन पे डॉक्टर्स भी ना मतलब हार मान चुके हैं। तो सबसे पहले ये वाला सीन देखिए। हालांकि अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश, लेकिन इसके बाद हमारे AMG शो के मेन हीरो समझते हैं कि डॉक्टर तो नल्ले निकम्मे हैं, उनकी बीवी को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने 5 साल का कोर्स किया है और उसके बाद हमारे शो के हीरो कुछ करते हैं ये। गोपी ये क्या हो रहा है? तारे जमीन पर। ये क्या हो रहा है गाइस? वो ना एक्चुअली वेंटिलेटर पे बैठी है, दिख रहा है हीरो को, वेंटिलेटर पे मरी पड़ी है बेचारी। और ये क्या हो रहा है पूछ रहे हैं? नहीं वो ना भाई हॉलीडे मनाने आई थी यहाँ पे हॉस्पिटल में, और ये तो फैंसी ड्रेस के कपड़े हैं, सुइयां वगैरह तो उसने फालतू की लगाई हैं, उसको शौक है इस चीजों का। मतलब कुछ भी, तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? नहीं मरने के लिए भी तेरी परमिशन चाहिए। गाइस मारो, अबे यार तालियां मारो यार हमारे सेल्फ सेंटर्ड हीरो के लिए। तो मतलब इसकी बीवी यहाँ पे मरी पड़ी है और इसको अपनी चाय की पड़ी। गोपी मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। एंड गाइस तुम्हें पता आगे क्या होने वाला है? ऑब्वियसली तुम्हें पता आगे क्या होने वाला है। AMG की इतनी कमाल की ट्रीटमेंट के बाद गोपी बहू सच्ची में होश में आ जाती है। This is beyond science. यार आपको पता है जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कितनी मेहनत करके बनते हैं? मतलब पहले तो यार जो हमारा मतलब नॉर्मली हमें ग्रेजुएट करना पड़ता है, पता नहीं नीट का, पता नहीं JEE का, पता नहीं कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद 5 साल की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, फिर टाइम मनी वगैरह सब इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्यों यार AMG से सीखो ना, वो कर देंगे सब। गोपी उठो। ओके। कोई इनसे सीखे। सीखे। अगर मार्वल्स में यार ये AMG होते ना तो हमारे पास हमारा स्पाइडरमैन अभी जिंदा बचा होता, और वो भी उसको क्या बोलते, उठ स्पाइडरमैन उठ, उठ जाता यार। ये वही सीरियल है जिसमें लैपटॉप को कुछ इस तरीके से धोया जाता है। यार इन लोगों ने ना गोपी भाई को गवार, इलिटरेट ऐसा दिखाया है, इसमें बिल्कुल अकल नहीं है। लेकिन यार जो भी अनपढ़ भी लोग होते हैं ना उनको भी पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक से मतलब पानी को बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं। और यार ये क्या चल रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, शो में कपड़ों की तरह टांग दिया, इनको क्या लगता है ऑडियंस बेवकूफ़ है? गाइज यही गवार गोपी बहू जो इस लैपटॉप को धो रही है, वही 8 से 10 हज़ार एपिसोड्स के बाद अपनी रूखरेखा बदल के अपनी सास को धो देती है। गोपी वाहू वाहू। वे गोपी वाहू ओपी। गोपी वाहू ओपी इन द चैट गाइस। यार एक मार, एक और मार मेरी तरफ से। और अब थप्पड़ों की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, तो यहाँ पे ना कोई भी कहीं भी किसी को भी थप्पड़ मार देता है, माइंड वेरी कॉमन गाइस यार। और इतना ही नहीं गाइस यार यहाँ पे डांसिंग थप्पड़ भी चलते हैं, देखिए देखो। और इस सीरियल की सबसे बेकार बात है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। गाइज अगर कोई
भी सिचुएशन हो ना इसमें, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक सिर्फ धूमता ना ना ना। बैकग्राउंड चेंज कैसे हो गया? मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है गाइस? एक बार की बात बताऊं यार गाइस, मैं ना रन आउट होते हुए बहुत मुश्किल से बचा और मैं गिर भी गया। और ना हमारे जो साथ आंटी रहते थे ना, वो आंटी ने पता क्या मतलब वो पूरा दिन यही सीरियल देखते रहते थे। मैं उधर से आउट होके मतलब इतना गुस्सा है ना, इतनी मतलब मेरा जो दूसरा नॉन स्ट्राइकर बंदा था ना, उसने बहुत टाइम लगा दिया रन लेने में। और यहाँ से बैकग्राउंड में ट्यून बज रही है, कौन सी? कमेंट करो जल्दी कौन सी। एंड गाइस नाउ इट इज टाइम टू फाइंड रसोड़े में कौन था। तो रसोड़े में था के। सच सच जवाब दो। अरे नहीं नहीं जादू, तू नहीं, ये राशि थी। इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। तो गाइस जी हाँ, रसोड़े में थी राशि बहन। और अगर अब किसी ने मुझे तंग किया ना ये पूछ के यार, ईमेल या जीमेल इंस्टा किसी पे भी पूछा ना रसोड़े में कौन था, तो भाई थी, क्या ही कर लूंगा यार मैं। तो चलो यार अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।